हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, आईआईटी जैम 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आईआईटी जैम 2025 के लिए ऑफिशियल सिलेबस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो क्या किसी टॉपिक को ऐड या रिमूव किया गया है उसका डिस्कशन हम करेंगे, स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो सिलेबस है क्या ये पिछले 4 या 5 साल से डिफरेंस है, क्या सेम सिलेबस आपका रखा गया है, कोई नया टॉपिक ऐड किया है या हटाया है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आईआईटी जैम 2025 ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ऑलरेडी पता लग चुकी है, एग्जाम डेट आपको ऑलरेडी पता लग चुकी है कि 2 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं ऑफिशियल सिलेबस आईआईटी जैम 2025 का, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी जैम 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है बड़ी ही अफोर्डेबल फीस के साथ। इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है, इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, इस कोर्स में जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनके आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ के साथ आपको इस कोर्स में असाइनमेंट भी मिलती है, आप टीचर से डाउट सेशन भी अपना ले सकते हैं, टीचर से डाउट्स भी ले सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोर्स के बारे में और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। स्टूडेंट अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, आईआईटी जैम के पीवाईक्यू का कोर्स भी अवेलेबल है, ओनली पीवाईक्यू, जिसमें आईआईटी जैम 2015 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर आपको करवाए जाएंगे। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन ये आपका रहेगा और पेपर का एनालिसिस रहेगा और फीस एक बुक भी नहीं आती, इतनी कम प्राइस हमने रखा हुआ है 499 रुपए में आपको पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके लिए भी आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस की। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है आईआईटी जैम 2025 का, जो कि आईआईटी दिल्ली ने अभी रिसेंटली वेबसाइट पे अपलोड किया है। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक को ऐड किया गया है, ये टॉपिक पहले आईआईटी जैम के सिलेबस में था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, और मैंने मेरे कोर्स से इस टॉपिक को हटाया भी नहीं था, है ना, क्योंकि ये पूछा जाते थे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। और खास बात क्या हुई स्टूडेंट, जैम 2024 का जो एग्जाम हुआ उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये जो बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक है ये सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट फिर भी यहां से क्वेश्चन आया था। तो भाई मैंने तो स्टूडेंट्स को करवाया हुआ ये टॉपिक ऑलरेडी कोर्स में अवेलेबल था हमारे कोर्स में, और मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि आप इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, बस सिर्फ एक चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे ये बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट, जो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो री एड कर दिया गया है। अगर आप आईआईटी जैम 21-22 को देखेंगे वहां सिलेबस में मेंशन होता था कि बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, बट 23-24 के टाइम पे उसको सिलेबस से हटा लिया गया था, लेकिन क्वेश्चंस आ ही रहे थे उससे। ठीक है, तो सिर्फ एक चेंज किया गया है पिछले सिलेबस के, पिछले 4-5 साल का जो सिलेबस था उसमें सिर्फ एक चेंज किया गया है, इसको मैं चेंज नहीं बोलूंगा, मेंशन कर दिया गया है, हालांकि क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। यहां पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक ऐड हो गया है। पहले मैं आपको, ये जैम 2025 का ऑफिशियल सिलेबस है, यहाँ पे आप आईआईटी जैम 2024 का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती थी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। ये टॉपिक पहले भी जैम के सिलेबस में था। तो स्टूडेंट आइए एक एक करके डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस का कि कौन कौन से। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें आपका बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, फंक्शन है ना, मैक्सिमा मिनिमा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा से, है ना। उसके बाद इंटीग्रल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के टॉपिक मैथ के एक्सपर्ट ने हमारे कोर्स में कंप्लीट किए हुए हैं, आपको पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग।
उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, उसके बाद आपका आ गया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स हो गए, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन डालेगा तो यहां से, इंक्लूडिंग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यानी कि डेरिवेशन वगैरह भी आपको याद होना चाहिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। उसके बाद देखिए यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, अब यहीं पे आपका आ गया क्वांटम मैकेनिक्स है ना। तो ये सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसी में आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। लेकिन स्टूडेंट आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, और वो भी कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता कि एक क्वेश्चन भी नहीं आता। तो क्वांटम जो नेट और गेट लेवल की है वो पढ़ने की नीड नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्वांटम आ गया इसी में। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइज स्क्वायर, ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आए आईआईटी जैम में, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फाइंडिंग मैक्सिमा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये फिर अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया है यहाँ पे, शेप ऑफ एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं ये दो टॉपिक से मिलके बना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो ये भी आपका पूरा कोर्स में अच्छे से कवर करवाया गया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड जो टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक इसको बोलेंगे, बेसिकली फोर्थ बोलेंगे क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज गैसियस स्टेट, ये आपका गैसियस स्टेट है। काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ गैस, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं भाई एक दो बार। ये तीन जो पैरामीटर होते हैं ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, तो इनसे भी एक क्वेश्चन कभी कभार आया है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोलिकुलर वेलोसिटीज, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आपका मोलिकुलर वेलोसिटीज का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर वेलोसिटीज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी, आइडियल गैस एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वांडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, वांडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगेन स्टूडेंट इसको भी नेट लेवल तक पढ़ने की नीड नहीं है, इतने डिटेल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते कि आप नेट लेवल तक का पढ़े, नेट लेवल तक का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन वाला आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। गैसियस स्टेट एक ही क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, तो नॉट कोई ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक ये नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज लिक्विड स्टेट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, यहीं पे वेपर प्रेशर भी आ गया है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो स्टूडेंट एक टॉपिक आपको पढ़ा जाता था 12th क्लास की केमिस्ट्री में, दैट इज सॉल्यूशन। तो देखो लिक्विड स्टेट दो आप बोल सकते हैं कि इसमें दो टॉपिक है, एक तो जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर होता था जिसमें वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आते थे वो, और फिर दूसरा जो है वो फिजिक्स से रिलेट करता है, जैसे कि जिसमें सरफेस टेंशन आ गया, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया एंड देयर एप्लीकेशंस, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स। तो स्टूडेंट यहां से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है लिक्विड स्टेट वाले पोर्शन से, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे अलग न्यूमेरिकल आता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक लिक्विड स्टेट जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें आपको विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, तो यहां से एक न्यूमेरिकल बनता है लिक्विड स्टेट से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अनकॉमन होता है सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिकल का टॉपिक ज्यादा हो गया। उसके बाद सॉलिड स्टेट की अगर बात करते हैं तो यूनिट सेल हो गया, मिलर इंडिसेस पढ़ना है आपको, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस लैटिसेस, एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्रिस्टल, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड KCl, डायमंड, ग्रेफाइट, क्लोज पैकिंग इन मेटल एंड मेटल कंपाउंड, सेमीकंडक्टर। देखिए स्टूडेंट
यहां बताना इतना आसान नहीं है कि कितना डिटेल में आपको पढ़ना है। जो लेक्चर्स है वहां पे आपको बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें करवाई गई है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सॉलिड स्टेट से भी एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट से एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे तीन से चार क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल, यूलर्स थ्योरम जो बोली जाती है इसको, साइक्लिक रूल, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस सच एज एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, ये सब आपका गिब्स ड्यूहम इक्वेशन। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन देना तो यहां से दे सकता है, यहीं पे आपको बोर्न मैक्सवेल का जो स्केयर वो भी पढ़ना होता है, उसके उससे रिलेटेड भी। तो इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल नेट लेवल का पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन नेट लेवल के एक दो टॉपिक आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें बोर्न मैक्सवेल स्केयर हो गया, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन हो गई, ये भी आपको नेट लेवल तक का पढ़ने की नीड होगी। कई बार यहां से टफ क्वेश्चन आपका एग्जामिनर सेट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद देखिएगा जो हमारा टॉपिक है, इसमें तीन टॉपिक है, केमिकल आयोनिक एंड फेज इक्विलिब्रिया, है ना, तीन टॉपिक है इसमें। कौन कौन से, तो यहां पे आप देख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ मास एक्शन, केपी, केसी, केएक्स, केएन, इनका रिलेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। ली चटलियर प्रिंसिपल, तो यहां तक ये जो है, दिस इज द, ये है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद देखिएगा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सोल्यूशन, पीएच, बफर सोल्यूशन, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, सोल्युबिलिटी, ये यहां तक, एसिड बेस टाइट्रेशन भी इसी में लेंगे, इंडिकेटर, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये यहां तक, यहां तक जो ये टॉपिक है ये आयोनिक इक्विलिब्रियम है, यहां तक ये जो टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आ गया सॉल्यूशन वाला टॉपिक, है ना, यहां पे लिखा हुआ डाउट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, राउट्स लॉ आ गया, हेनरीज लॉ आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, यहां तक देखो इसमें चार टॉपिक छुपे हुए हैं, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम में चार टॉपिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन चैप्टर 12th वाला, जिसमें राउट्स ला, हेनरी ला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, और फोर्थ टॉपिक इज फेज इक्विलिब्रियम। फोर्थ टॉपिक कौन सा है, फेज इक्विलिब्रियम। तो गिब्स फेज रूल, फेज इक्विलिब्रिया, सिंगल एंड टू कंपोनेंट फेज इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट इस टॉपिक से, चारों से अगर आप एक एक क्वेश्चन मान के चलेंगे चारों टॉपिक से, तो चार क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, चार क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो काफी डिटेल में आपको यह पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, काफी डिटेल में आपको यह टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तीन पार्ट हैं, एक है जो आपका गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक होता है, नर्स्ट इक्वेशन वाला, एक कंडक्टेंस वाला टॉपिक होता है, और एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक होता है। तो पहले यहां पर इन्होंने कंडक्टिविटी वाला टॉपिक दिया, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, मोलार कंडक्टिविटी, होलरोस लो, डीबे हकल ओनसेगर इक्वेशन, इससे भी काफी क्वेश्चन आए हैं आईआईटी जैम में, आयोनिक वेलोसिटी, मोबिलिटीज, ट्रांसफेरेंस नंबर, है ना, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट, तो यहां तक ये जो है कंडक्टिविटी है। उसके बाद जो आ गया ना, ये फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन मेटलर्जी इंडस्ट्री, तो ये आपका जो टॉपिक है सेकंड पार्ट है, जिसको कि इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। और इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ, नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसको तीन पार्ट में आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, लेक्चर्स में काफी डिटेल में कवर किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट एक्सप्रेशंस, काइनेटिक ऑफ अपोजिंग एंड पैरेलल कंजुगेटिव रिएक्शंस, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली फार्मूला याद आप करके जाना कि सीरीज वाले रिएक्शंस के लिए क्या फार्मूले होते हैं, पैरेलल वाली रिएक्शन के लिए क्या फार्मूले होते हैं, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इन रिएक्शन मैकेनिज्म, चेन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिंडेमैन मैकेनिज्म। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मेंशन जरूर किया गया है लिंडेमैन मैकेनिज्म को, बट यहां से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं आईआईटी जैम के अंदर, है ना, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिंडेमैन मैकेनिज्म मेंशन है, बट कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, बट मेंशन है तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन रेट्स आरहीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है. कोलिजन थ्योरी इज ऑल्सो नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से. कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, ये सारी चीजें आपका आ गया. यहाँ पे देखिए माइकल मेंटन मैकेनिज्म भी मेंशन है, बट इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं. तो ये देखो लिंडेमैन मैकेनिज्म है ना, ये नेट में आपको पढ़ाया जाता है लेकिन मेंशन है सिलेबस में. अगर एग्जामिनर ने कभी टफ क्वेश्चन बनाना है तो हो सकता है कि वो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठा ले. तो इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा जो जो टॉपिक यहाँ पे आपका मेंशन है. तो केमिकल काइनेटिक्स को आप एडवांस लेवल का पढ़िएगा, नेट लेवल तक का आप पढ़ सकते हैं. एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में भाई आपका गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़नी है, इसमें फ्रेंडलिक वाली भी पढ़नी है आपको, और जो आपका जो लैंगमुयर की होती है लैंगमुयर वाली वो भी आपको पढ़नी है ना. बीईटी पढ़ने की नीड नहीं है. टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन, केमियोसॉर्प्शन पढ़ना है. सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट्स, सरफेस फिल्म ऑन द लिक्विड्स, दिस इज नॉट वेरी मच कॉमन, ये कोई ज्यादा कॉमन नहीं है. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पढ़ने हैं. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको यहाँ पे पढ़नी है. ओके, तो ये था जी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस. फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादा टॉपिक है इसलिए दो चार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, कभी कभार फिजिकल के ज्यादा पूछ लिए जाते हैं किसी किसी एग्जाम में. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं. ये जो आप देख पा रहे हैं ये दो टॉपिक से मिलकर बना हुआ है. एक होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स सब कुछ इसी में आ जाता है. रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सब कुछ इसी में. तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया. तो ये आपका जीओसी है. इसी में एरोमेटिसिटी भी मेंशन किया होना चाहिए था. एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आता ही आता है आईआईटी जेम में. उसके साथ ही यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री है. नेट लेवल के स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने की नीड आपको नहीं है, है ना. यहाँ पे जैसे आपको टोपोसिटी का टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं है, है ना. डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने की नीड नहीं है. ऑप्टिकल आइसोमर, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है. ऑप्टिकल आइसोमर इन द कंपाउंड विदाउट एनी स्टीरियो सेंटर, एलीन आपने पढ़ लेना, बाईफिनाइल आपने पढ़ लेना है ना. जो आपका जो अलग टाइप जो प्लेनर कायरलिटी होती है ना, वो पढ़ने की नीड नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग. कन्फर्मेशन ऑफ एसाइक्लिक सिस्टम आपको पढ़ना है भाई यहाँ पे, बिल्कुल साइक्लिक सिस्टम के लिए भी पढ़ना है. सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स, उनकी स्टेबिलिटी, ब्यूटेन गोज इंटरेक्शन, ये सब आपने पढ़ लेना है. लेकिन टोपोसिटी वाला टॉपिक हो गया है ना, रिएक्शंस हो गई, मतलब भाई ये किस टाइप की रिएक्शन है, डायोस्टीरो स्पेसिफिक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आईआईटी जेम के एग्जाम में स्टीरियो केमिस्ट्री से. तो ये आपका दो टॉपिक हो गए जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री. इसके अंदर जो है इस टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही और सबसे ज्यादा स्कोरिंग इसमें आ गए आपका तीन टॉपिक. कौन सबसे पहला कौन सा आ गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट. दूसरा कौन सा आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म. तीसरा कौन सा आ गया, नेम रिएक्शन. चौथा कौन सा आ गया, रिएजेंट. चौथा कौन सा आ गया, रिएजेंट. तो ये जो है ना ये वाला सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से. और यहां से आप मान के चलिएगा कि कम से कम आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं. तो भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपको कौन कौन से इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन. उसके बाद क्या आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1, SN2, SNA, मतलब जो आपका SN एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, और उनका मैकेनिज्म. उसके बाद क्या आ गया जी, नेम रिएक्शन. इनमें से काफी नेम रिएक्शन मैंने आपको रिएजेंट में एंड रिएक्शन मैकेनिज्म में ही कवर की हुई है. इनमें से काफी रिएक्शन आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट में, होफमैन, कर्टियस, लूजन, ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट में पढ़ाई है. वुल्फ रीअरेंजमेंट आपका कार्बीन और नाइट्रीन इंटरमीडिएट में पढ़ाई है. सिमन स्मिथ कार्बीन इंटरमीडिएट में पढ़ाई है. रीमर डीमन कार्बीन इंटरमीडिएट में पढ़ाई है. माइकल रिएक्शन कार्बेन आयन में पढ़ाई है. डार्जेंस रिएक्शन को अलग से नेम रिएक्शन के टॉपिक में कवर किया गया है. विटिग रिएक्शन को अलग से नेम रिएक्शन के टॉपिक में कवर किया गया है. मैकमुरी कपलिंग, मैकमुरी को भी आपका जो है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के दौरान एक्सप्लेन किया गया. पिनाकोल, पिनाकोलोन को कार्बोकटाइन में पढ़ाया गया है.
फेवरस्की को अलग से पढ़ाया गया है नेम रिएक्शन में, बेंजिल बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट को अलग से पढ़ाया गया है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन को रिएजेंट में पढ़ाया गया है। तो यहां तक देखो ये नेम रिएक्शन आ गई, ये नेम रिएक्शन आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड आपका रिएजेंट में पढ़ने को मिल जाएगी। इसके अलावा अब स्टार्ट होता है जी हमारा फोर्थ टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, ऑर्गेनोलिथियम पढ़ने हैं, ऑर्गेनो कॉपर गिलमंस रिएजेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनो जिंक की एक काफी फेमस रिएक्शन है जिसे हम रीफॉर्मेस की रिएक्शन बोलते हैं, वो पढ़नी है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और टॉपिक है यहाँ पे छुपा हुआ, दैट इज पीसीआर, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्या है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक में आपको डाइल सेल्डर भी पढ़नी है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन भी पढ़ना है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी पढ़नी है, ठीक है, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारा इसी का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आने हैं तो 12 के करीब क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं, इन 5 टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी रह गई जिसमें आपको एनएमआर पढ़ना है, और एनएमआर में सिर्फ 1H एनएमआर पढ़ना है भाई, है ना। क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ 1H एनएमआर, C13 और हेट्रो एनएमआर पढ़ने की नीड नहीं है, IR पढ़ना, IR से क्वेश्चन आते हैं, 1H एनएमआर एंड IR, UV से कभी क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है बट सिलेबस में मेंशन है तो आप ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय केमिकल टेस्ट। तो भाई आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस ग्रुप के लिए, जैसे 1 degree 2 degree अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट होता है ना, 1 degree 2 degree 3 degree अमाइन के लिए हिंसबर्ग टेस्ट होता है, तो टेस्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, तो टेस्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दो टॉपिक है नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री में, एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पिन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों टॉपिक से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्पिन्स इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। इसके अलावा एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, दोनों से एक एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, इसी में आपका एरोमेटिसिटी चाहे GOC में पढ़ लेना चाहे यहाँ पढ़ लेना, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान ही पढ़ा दी जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, बिल्कुल लास्ट ईयर जैसा ही है, लास्ट 3-4 साल में कोई सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना भाई, 4 तो अबव प्रिंसिपल क्या होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक, कोवलेंट, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यहाँ पे भाई आपको स्लेटर्स रूल भी पढ़ना है, स्लेटर्स रूल के क्वेश्चन आते हैं IIT जैम में, तो 1-2 क्वेश्चन पीरियोडिसिटी से आपको देखने को मिलता है, पीरियोडिक टेबल से, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसे हम मेटलर्जी बोलते हैं, मेटलर्जी, यहां से भी अब क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशली आपको और पढ़ने होते हैं भाई, ये किस मेटल का और है ना, और एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं, प्योरिफिकेशन मेथड क्या होते हैं, ये टॉपिक भी मैंने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, ये टॉपिक भी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। उसके बाद जी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, बोर्न लैंडे इक्वेशन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ना, कैपोसेंस्की से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बोर्न हैबर साइकिल। उसके अलावा देखो भाई फजांस रूल आपको पढ़ के जाना है, हाइब्रिडाइजेशन, MOT वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये डायटोमिक एंड सिंपल पॉलीटोमिक के लिए पढ़नी है, जितना कुछ भी इसमें लिखा हुआ है सब कुछ आपका कोर्स के लेक्चर में कवर है, कोर्स के लेक्चर में कवर है, तो देख लीजिएगा भाई आपका यहाँ पे। उसके बाद है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, तो इसमें आपको हाइड्रोजन भी पढ़ना है ना, इसमें आपको अल्कली मेटल यानी कि एस ब्लॉक में अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद पी ब्लॉक में 6 की 6 ग्रुप है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और बोरोन फैमिली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, डाइबोरेन हो गया, यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया, देखो डाइबोरेन की रिएक्शंस हो गई
है ना, और आपका सिलेन फॉस्फिन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेन ग्रुप एलिमेंट से जरूर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा तो डी ब्लॉक है बट इसमें 3 टॉपिक छुपे हुए हैं। एक तो खुद डी ब्लॉक का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक खुद टॉपिक, और यहां से स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोऑर्डिनेशन में आपका स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो इसमें 3 टॉपिक है, एक डी ब्लॉक, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओएमसी में 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद होमोजेनियस कैटालिसिस लाइक विल्किंसन्स कैटालिस्ट, ये सारे के सारे टॉपिक कोर्स में कवर है। देखो भाई सिर्फ कोर्स लेना है और कुछ नहीं, बस उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, इतना करोगे बात बन जाएगी। इसके अलावा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ना है दैट इज हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमेरिथिन, हीमोसाइनिन, जिंक में कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक ज्यादा मेंशन है यहाँ पे, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। समझ में आ रही स्टूडेंट? ये जो दोनों टॉपिक हैं दिस आर नॉट कॉमन, इन दोनों से कभी कभार एक क्वेश्चन आता है और कभी कभार तो एक भी नहीं आता, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। इनके लिए आपको ज्यादा कोई कंटेंट मिलेगा भी नहीं कहीं पे, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें इस टॉपिक के लिए, इनके ऊपर आप ज्यादा टाइम नहीं लगाए क्योंकि ये लीस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, कभी कभार ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें जैसे आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ सकते हैं, वो अलग से आपको पढ़ाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गई, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन हो गई, ये चीजें आपको जरूर पढ़ाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वहां पे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आईआईटी एग्जाम 2025 का ऑफिशियल सिलेबस, लास्ट ईयर जैसा ही है, सिर्फ एक टॉपिक को ऐड किया गया है। और मैं तो पहले से ही बोलता था स्टूडेंट को इस टॉपिक को पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है और मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है कि वो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से होता है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी आपको इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट आप सभी को एक और अपडेट देता हूं, इस चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां पे आईआईटी जैम जैम के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। आईआईटी जैम के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का। जैम जब मेरे पास लगभग जैम 2005 से लेके और 2024 तक का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो हर एक टॉपिक के जैम 2005 से लेके और जैम 2024 तक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा यहाँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू सीरीज भी तभी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट जब आपको कंटेंट आता होगा, जब उसकी थ्योरी आपको पता होगी, और थ्योरी के लिए अभी भी टाइम है, अभी भी काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। पढ़ रहे केमिस्ट्री को डाउनलोड करके फटाफट से अपना कोर्स ज्वाइन करके और तैयारी स्टार्ट कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। स्टूडेंट आईआईटी जैम के सिलेबस या किसी कोई भी और आपकी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आईआईटी जैम के रिगार्डिंग। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।